फ्रेंड्स, डेली स्मार्टफोन्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज के गेम तो रिलीज होते ही हैं, मगर हमें पता नहीं होता है कि कौन से गेम्स के अंदर हमें हाई क्वालिटी के ग्राफिक के साथ साथ बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी को आसान बनाने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 न्यू हाई ग्राफिक्स वाले एंड्रॉइड गेम्स, जिनके अंदर आपको बहुत ही अच्छे ग्राफिक के साथ साथ बहुत ही अच्छा गेम प्ले भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, इन सारे गेम्स के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे चैनल से रिलेटेड आप कोई भी अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं ट्रूपर शूटर गेम से। फ्रेंड्स, ट्रूपर शूटर एक थर्ड पर्सन शूटर एक्शन गेम है, जिसका साइज 200 MB तक है, और इस गेम के अंदर आपको टीम बेस्ड गेम प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर इस गेम को खेल सकते हो। साथ ही इसमें आपको अलग अलग तरह के कार्टूनिस्टिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आपको अपोनेंट टीम को हराना पड़ेगा। साथ ही मल्टीप्लेयर गेम होने की वजह से इसमें आपको हर मैच 5 मिनट्स का मिलता है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एनिमीज के प्लेयर को डिफीट करके अपनी टीम के पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा, और 5 मिनट्स के अंदर जिस टीम के ज्यादा पॉइंट होते हैं वो टीम इस गेम के अंदर जीत जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मल्टीप्लेयर न्यू गेम्स खेलना चाहते हो तो आपको जरूर से इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए। गाइज, अगला गेम है डी रोचा। फ्रेंड्स, ये एक ब्राजीलियन बैटल रॉयल गेम है, जिसका साइज 100 MB तक है, और इस गेम के अंदर आपको बहुत ही अच्छा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपको अपने स्मार्टफोन में GTA गेम्स खेलना पसंद है तो इस गेम के अंदर भी आपको GTA गेम्स की जैसा ही सिमिलर गेम प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इस गेम को खेलने के लिए 4 अलग अलग तरह के प्लेबल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और हर कैरेक्टर में स्पेशल एबिलिटी का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे इस गेम को खेलते वक्त आप उनकी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आप कार से लेकर एयरप्लेन जैसे अलग अलग तरह के व्हीकल्स को भी चला सकते हो, जो आपको कहीं ना कहीं GTA गेम्स का जैसा ही फील कराएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक न्यू ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना चाहते हो जिसका साइज 100 MB तक हो, तो आपको अपने स्मार्टफोन में इस गेम को जरूर से ट्राई करना चाहिए। गाइस, अगला गेम है हैसल 1977। फ्रेंड्स, ये एक टॉप डाउन एक्शन शूटिंग गेम है, जिसका साइज 250 MB तक है, जिसमें आपका कैरेक्टर एक रेबल का होगा, और आपको इस गेम के अंदर रियल टाइम में रियल प्लेयर के साथ फाइट करके इस गेम को विन करना पड़ता है, और इस गेम के मैचों को जीतने के लिए आपको अलग अलग तरह के वेपनों के साथ साथ बहुत सारी व्हीकल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह इस गेम के अंदर जा सकते हो। साथ ही साथ इस गेम में आपको एक फ्री मोड का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह के मल्टीप्लेयर गेम्स को खेलना चाहते हो तो इस गेम को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। गाइज, अगला गेम है WWE Undefeated। फ्रेंड्स, अगर आप WWE गेम्स के फैन हो तो ये गेम भी आपको पसंद आने वाला है, जिसका साइज 300 MB तक है, जिसमें आप अपने फेवरेट रेसलर को सेलेक्ट करके इस गेम के अंदर अलग अलग तरह के रेसलर के साथ फाइट कर सकते हो। साथ ही इस गेम के अंदर आपको मल्टीप्लेयर गेम प्ले का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आपको रियल टाइम में रियल प्लेयर के साथ फाइट करनी पड़ेगी, और उसे डिफीट करके आप अपने कैरेक्टर की एबिलिटी और पावर को भी इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा इस गेम के अंदर आप हर रेसलर की अलग अलग तरह की एबिलिटी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो इस गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी WWE के फैन हो तो जरूर से आपको अपने स्मार्टफोन में इस गेम को ट्राई करना चाहिए, जिसकी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। गाइज, अगला गेम है 100 Soul। फ्रेंड्स, ये एक ऑनलाइन 3D RPG गेम है, जिसका साइज 2 GB तक है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के प्लेबल कैरेक्टरों का ऑप्शन देखने को मिलता है, और अलग अलग तरह के कैरेक्टर होने की वजह से इस गेम के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको इसकी स्टोरी लाइन को कम्प्लीट करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ती है, और उन्हें डिफीट करके आप इस गेम की स्टोरी लाइन को कम्प्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको मल्टीप्लेयर गेम प्ले का भी ऑप्शन दिया गया
दिया है जिसमें आप रियल टाइम में रियल प्लेयर के साथ मिलकर इस गेम को खेल पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको भी हाई ग्राफिक्स वाला आरपीजी गेम्स खेलना पसंद है तो आप अपने स्मार्टफोन में इस गेम को ट्राई कर सकते हो। गाइस अगला गेम है टैंक कमांडर। फ्रेंड्स ये एक 3D एक्शन गेम है जिसका साइज 1GB तक है और इस गेम में आपको बहुत ही अमेजिंग टैंक बैटल देखने को मिलेगी जिसमें आपको बैटल करने के लिए बहुत सारे वैरायटीज के टैंकों का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही मल्टीप्लेयर बैटल गेम होने की वजह से इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर भी खेल सकते हो जिसमें आप अलग अलग तरह के टैंकों का इस्तेमाल करके इस गेम के अंदर विन कर पाओगे। साथ ही इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे मल्टीप्लेयर मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जिसे आप अपनी चॉइस के हिसाब से खेल सकते हो। तो गाइज अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में रियल टाइम में टैंक बैटल गेम्स को खेलना चाहते हो तो ये गेम आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। गाइज अगला गेम है एक्शन टॉयज। फ्रेंड्स ये एक 3D रियल टाइम प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम है जिसका साइज 300 MB तक है जिसमें आप पॉइंट्स को कलेक्ट करके अलग अलग तरह की टॉयज व्हीकल्स को अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही मल्टीप्लेयर गेम होने की वजह से इस गेम में आपको रियल टाइम में रियल प्लेयर के साथ बैटल करनी पड़ती है और उनकी व्हीकल को डिस्ट्रॉय करके आप इस गेम के अंदर विन कर पाओगे। साथ ही बैटल करने के लिए इसमें आपको बहुत सारे वैरायटीज के टॉय व्हीकल का ऑप्शन दिया गया है जिन्हें अनलॉक करने के लिए आपको अलग अलग तरह के कॉइंस को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आपको ये गेम पसंद आया तो इस गेम को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। गाइज अगला गेम है कैटलिस्ट ब्लैक। फ्रेंड्स ये एक टॉप डाउन फाइटिंग गेम है जिसका साइज 300 MB तक है और इसमें आपको अलग अलग तरह के मल्टीप्लेयर गेम प्ले मोड्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपको टीम डेथ मैच से लेकर पॉइंट कैप्चर जैसे अलग अलग तरह के गेम प्ले मोड्स देखने को मिलेंगे जिन्हें आप अपनी चॉइस के हिसाब से खेल सकते हो। साथ ही फाइटिंग के लिए इसमें आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टरों का ऑप्शन भी दिया गया है और हर कैरेक्टर के अंदर अपनी यूनिक पावर और स्किल होती है जिनका इस्तेमाल आप एनिमीज को डिफीट करने के लिए कर सकते हो। तो गाइज अगर आप भी इस तरह के टॉप डाउन मल्टीप्लेयर गेम्स को अपने स्मार्टफोन में खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला गेम है राइस एंड डॉन। फ्रेंड्स ये एक 3D पार्क ओवर गेम है जिसका साइज 200 MB तक है और पार्क ओवर गेम होने की वजह से इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके इस गेम के लेवल को कंप्लीट करना पड़ता है और लेवल को कंप्लीट करने के लिए आपको अलग अलग तरह के पार्क ओवर मूव्स इस गेम के अंदर इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो दिखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लगते हैं। साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको इंटरैक्ट का भी फीचर दिया गया है जिसमें आपका कैरेक्टर इस गेम के अंदर सेल्फी कैप्चर करने के साथ साथ बहुत सारे डांस मूव भी कर सकता है। तो गाइज अगर आपको भी अपने स्मार्टफोन में पार्क ओवर गेम्स खेलना पसंद है तो आप अपने स्मार्टफोन में इस गेम को ट्राई कर सकते हो। गाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आखिरी गेम है एस स्क्वाड। फ्रेंड्स ये एक 3D डॉग फाइटिंग गेम है जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के फाइटर प्लेनों का इस्तेमाल करके एनिमीज के प्लेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और एनिमीज के प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस गेम में आपको बहुत सारे वेराइटीज के फाइटर प्लेन का ऑप्शन दिया गया है जिन्हें आप अपने लेवल को अपग्रेड करके अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन गेम होने की वजह से इस गेम में आपको रियल टाइम में रियल प्लेयर के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में। इस गेम के अंदर आपको हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जिसका साइज 50 MB तक है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइज ये थे टॉप 10 न्यू हाई ग्राफिक्स वाले एंड्रॉयड गेम्स जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज के गेम्स देखने को मिले होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे चैनल से रिलेटेड आप कोई भी अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।